है और कौन झालमुड़ी बेच रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन अब आर पार में वक्त आ गया है सत्य और तथ्य का। विनर स्टैंड्स अलोन एंड लूजर वॉक्स अलोन, यानी जीतने वाला शान से खड़ा रहता है, सब आपके साथ होते हैं, बधाई देते हैं, तारीफ करते हैं, भविष्य की शुभकामनाएं भी देके चले जाते हैं, लेकिन हारने वाला है वाले को सब अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को इस देश में तो बदल दिया है, क्योंकि नतीजे से ज्यादा इंपॉर्टेंस एफर्ट्स की होती है, और पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप में भारत की हार के बावजूद खिलाड़ियों की कोशिशों को अहमियत दी। उन्होंने बिना वक्त गवाए टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मुलाकात की। यह बेहद खास वीडियो है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें रूटीन प्रैक्टिस अब बन गई हैं। इससे पहले जीतने वाले खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन हारने वालों को अकेला छोड़ दिया जाता था, कोई नहीं जाता था, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। यकीन ना हो तो रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिएगा, यह पहला मौका नहीं है जब इस देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को उनकी मेहनत और कोशिशों के लिए बधाई शुभकामनाएं दे रहा है और भविष्य में जीत की का हौसला बढ़ा रहा है। 2021 में ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी बेहद निराश थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभिभावक की तरह उन्हें फोन किया। खेल पर राजनीति करने वालों को आज ये वीडियो रिवाइंड करके कई बार सुनना चाहिए, आप भी सुनिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है, देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। भारत की वर्ल्ड कप में हार पर राजनीति करने वाले, क्या आप बता सकते हैं कि 1992 में जब भारतीय टीम हारी तो क्या सरकार की तरफ से कोई उनसे मिला था? इसके बाद भी कई विश्व कप में भारत हारा, लेकिन क्या उनसे कोई मिला? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि 1983 की विश्व विजेता टीम का शानदार स्वागत किया और मान सम्मान भी हुआ, होना भी चाहिए था। लेकिन ओलंपिक्स में जो मेडल नहीं जीत पाए, जो एशियन गेम्स में खाली हाथ रह गए, उनसे किसी ने मिलना जरूरी नहीं समझा। इस दौर की खास बात यह है कि अब महिला और पुरुष एथलीट्स में फर्क करने वाली मानसिकता को भी पूर्ण विराम लग गया है। 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में जब हमारी टीम हारी तो प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी उनसे मुलाकात करी और आज तक ये सिलसिला जारी है, और शायद यही वजह है कि ये नया दौर सियासी मौका परस्तों के गले नहीं उतरता। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है, अब खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह देखा जाता है, उन्हें हार और जीत के तराजू पे तोला नहीं जाता, और इसके सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं। एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक, भारतीय दल हर बार पहले से ज्यादा मेडल जीत के आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि लीडर वही है जो फ्रंट से लीड करे। यह तस्वीर अपने आप में नए भारत के माइंडसेट की पूरी कहानी बयां कर रही है। चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ, लेकिन भारत रुका नहीं, थमा नहीं, और आज चंद्रयान 3 की कहानी पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। और यही नहीं, नए भारत की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यही है कि अगला वर्ल्ड कप हम लेके आएंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जो एक लीडर का काम होता है। अब कई लोगों को बुरा लगे तो कोई क्या कर सकता है, वो उनकी मानसिकता की बात है। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।